और रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। इस युद्ध के 50 दिन होने वाले हैं, अभी भी दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। उधर युद्ध की तबाही खूनी मंजर में बदल चुकी है। हर तरफ लाशें ही लाशें और मलबा दिखाई दे रहा है। अकेले मारियुपोल शहर में 10,000 लोग मारे गए हैं। देश भर में मृतकों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। यूक्रेन ने भी रूस के 19,500 रूसी सैनिकों को मौत की नींद सुलाने का दावा किया है। अमेरिका, जापान, कोरिया और यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद देने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं रूस परमाणु हमले की तैयारी में जुट गया है।